डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को अब अपने परिवार के पालन पोषण की चिंताएं सताने लगी हैं। दूसरी ओर प्रबंधन सरकार के समक्ष मामला उठाने का हवाला देकर पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान अलग अलग पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। कोरोना संकट में अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के बाद लगातार ये आउटसोर्स कर्मचारी प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। पहले जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना नोटिस नौकरी से निकाल दिया गया, तो वहीं संघर्ष के बाद काम पर लौटे इन कर्मियों को अब पिछले 4 महीने से वेतन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि जब से उनकी तैनाती हुई है, तब से उन्हें कभी भी समय पर वेतन नहीं दिया गया, जिस कारण उन्हें पैसों के अभाव में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी के बाद से हमें सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने कंप्लीट हो गए। हम रेगुलर आते हैं, काम भी कर रहे हैं सर, फिर भी हमारे जो है सैलरी नहीं मिल रही है। हम यहाँ पे रूम रेंट लेके रहते हैं सर, हमें रूम रेंट भी पे करना होता है, बाकी भी बहुत खर्चे होते हैं सर, आपको पता ही है आजकल इतनी महंगाई है, कैसे पूरा करना सर। तो सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि प्लीज हमें, हमने जितना काम किया एटलीस्ट हमें उसकी तो सैलरी मिलनी चाहिए ना। बस सर हमें दिक्कत तो हमें हमेशा से ही आई है, पर ये था कि हमें फिर भी बीच बीच में हमें सैलरी मिल जाती थी, पर सर अभी तो ऐसा हो गया कि 4 महीने कंटिन्यू हो गए हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। जनवरी के बाद से अभी तक ना कोई फंड आया हमारा, ना ही सर कुछ आगे का अभी तक हमें पता चला है कि सैलरी आनी है कि नहीं आनी है, यही क्लियर नहीं है। कोविड टाइम पे रखा गया था तब हमें सैलरी मिल जाती थी, वैसे 2 महीने के बाद आती थी, पर ये था कि हमारा जो खर्चा था वो निकल जाता था। पर अब तो हमारा ऐसा टाइम आ गया है ना कि अब हमें खाने के लिए भी मतलब दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा है, 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आई है, अब कहाँ जाए, हम किसके पास जाए, हमारा ये तो क्लियर कर दो कि हमारी सैलरी आएगी या नहीं आएगी, तो हम अपना कुछ देखें भी अब आगे क्या करना है। हम सरकार से बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम आगे क्या करें, इतना बता दीजिए मुझे। वही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वित्त विभाग के सहायक नियंत्रक देवेंद्र दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। बजट ना होने के चलते समस्या आई है, मामला सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही आउटसोर्स पर तैनात सभी कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो फोर्थ क्वार्टर में उससे लेकर हमारे पास फंड्स नहीं आए हैं, हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को उसमें लिखा है, फंड्स की डिमांड की है। इनकी पहले जो अप्रूवल थी वो 31 मार्च तक थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है, अभी जो है 30 जून तक इनको एक्सटेंशन दी गई है। तो हमने रिवाइज जो लाइबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल जो बनता है, वो पूरा कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को भेजा हुआ है और टाइम टू टाइम अपडेट्स भी लेते रहते हैं। तो हमें ये अपडेट्स दिया जाता है कि अभी फाइल पुटअप है और इसमें फंड सभी गवर्नमेंट अलॉट करेगी। तो बार बार ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टाफ नर्सिस और दूसरा स्टाफ आ जाता है, तो थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगता है कि इनकी सैलरी जो है 4 महीने से पेंडिंग पड़ी है, पर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इनकी सैलरी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से टेकअप किया है और हो सकता है गवर्नमेंट जो है जल्दी इसमें कुछ ना कुछ एक्शन दे रही है, बताया गया। पंजाब केसरी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।